तो आज मैंने यहाँ पर बनाए हैं दो तरीके के लड्डू जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हैं। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें। यह है मुरमुरे के लड्डू, जो लाई होती है उसके लड्डू, और मूंगफली बादाम को। बहुत ही इजी मेथड है, तो बनाने का बहुत ज़्यादा इजी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो देखिए किस तरीके से मैंने बनाए। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, क्योंकि ये जो रोस्ट करने के बाद ना अच्छे से पिस जाती है, और इसमें मैंने डाल दिए बादाम। तो अच्छे से दोनों को हम रोस्ट कर लेंगे और फिर उनको रख देंगे साइड में। और ये ली है मैंने जैगरी, जो बहुत ही हेल्दी होती है ना, तो यहाँ पर मैंने इसका उपयोग किया है। इसको मैं छोटा छोटा सा काट लूँगी। कद्दूकस भी कर सकते हैं आप इसको। तो इस तरीके से मैंने इसको कर लिया और ये अच्छे से रोस्ट हो गई हमारी मूंगफली और बादाम। तो इनको तो मैं रख दूँगी साइड में। तो यहाँ पर मैंने फिर फ्राई पैन रखा और उसमें डाला है थोड़ा सा जैगरी, जो मैं बनाऊँगी मुरमुरे के लिए जैगरी की चाशनी। और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा ड्रॉप्स टाइप का, जिससे कि ना जैगरी हमारी काली नहीं पड़ती है। और इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी ना, तो उसको हम थोड़ा सा बॉइल में पानी लेंगे और उसमें डालकर देखेंगे। इसकी जब वो गोली टाइप की बनने लगती है ना हल्की से, उस टाइम गैस को ऑफ़ कर देना है। अभी मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया, उसमें डाल दी मैंने लाई जो मुरमुरे बनाते ना। तो बस बहुत ही ईजी है, आप इतना बिल्कुल ईजी मैथड है और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाते हैं मुरमुरे के लड्डू। तो इस तरीके से मैंने इसको बना दिए हैं। और मैं इनको साइड एक प्लेट में निकाल लेंगे सभी मुरमुरे को। तो ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया बनकर के रेडी हो गए। इसमें आप बहुत कम मीठा करके भी बना सकते हैं। तो मैं फटाफट बना लूँगी यहाँ पर लड्डू इनके बड़े बड़े से। और इन लड्डू को बनाने के बाद मैं बनाऊँगी मूंगफली और बादाम के लड्डू, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो ऐसे सारे मैं लड्डू को बना लूँगी। बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो जब हम छोटे थे ना, तो गांव में क्या ना, जब मीठा भी खाने का मन करता था ना, तो मम्मी ना इसी तरीके से फटाफट बना करके दे देती थी। तो ये सारे मैंने उन्हीं से सीखा है, अपनी मदर से। ये देखिए मेरे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और ये मैंने यहाँ पे मूंगफली जो रोस्ट करके रखी थी ना, तो उसको पीस लिया अच्छे से। तो मैं सारी मूंगफली को अच्छे से पीस लेंगे, और उसके लिए भी मैंने गुड़ लिया है, साथ में गुड़ डाल दिया और मूंगफली दोनों को एक साथ पीसेंगे। तो इस तरीके से पाउडर बन जाएगा। देखिए सारा मैंने पाउडर बना लिया है, मूंगफली बादाम और गुड़ एक साथ पीस लिया है। बहुत ही ईजी और बहुत ही हेल्दी है ये लड्डू हैं। देखिए बस अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कहीं कहीं क्या ना जो गुड़
गुड़ होता है ना उसकी गांठ सी रह जाती है, तो उसको हम अच्छे से चारों तरफ से मिक्स कर लेंगे और इसके बस लड्डू बना लेंगे सारे। देखिए बहुत आसानी से लड्डू बन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए बहुत ही इजी, इसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ गुड़ डाला है, मूंगफली और बादाम। देखिए इस तरीके से मैं सारे लड्डू बना लूँगी। एक ही करके मैं इसी तरीके से सभी लड्डू को बना लूंगी। बहुत जल्दी बन जाते हैं और ये सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी और अच्छे होते हैं। इनको शाम को दूध के समय और या सुबह आप किसी भी समय खाएं। मुझे सबसे ज़्यादा ये इजी लगते हैं ना, तो मैं सबसे ज़्यादा यही बनाती हूँ, क्योंकि वो बाकी और मिठाई बनाने में ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो जब भी मीठा खाने का दिल करता है या बच्चे मीठा खाने के लिए मांगते हैं, मैं फटाफट मैं इस तरीके से लड्डू बना देती हूँ। देखिए कितने अच्छे सारे लड्डू मेरे बन गए हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे ये लड्डू। मूँगफली और मूँगफली के दोनों के लड्डू मैंने बनाए बहुत ही आसानी से, और ये मेरा सबसे लास्ट लास्ट का लड्डू, सबसे छोटा बनाते हैं हमारे इधर जो लास्ट में जो बनाते हैं ना, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो जब एंड में बनाते हैं वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि मायके में बरकत होती है। तो इसलिए कोई भी चीज़ रोटी हो या फिर कुछ भी हो तो हम बड़ा बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बने, बिल्कुल सॉफ्ट। ट्राई कीजिएगा, बाय, टेक केयर।